हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक इंटेंस फेशियल पेन के बारे में जो कि इतना इंटेंस और अनबियरेबल होता है कि उसका दूसरा नाम है सुसाइड डिजीज़। मेरा नाम है डॉक्टर आंचल, आई वर्क एज अ क्रॉनिक पेन फिजिशियन एट बीएलके मैक्स हॉस्पिटल। सो ये बीमारी को का दूसरा नाम क्या है, ट्राइजर्मिनल न्यूरालजिया के नाम से ये मोस्ट कॉमनली जाना जाता है। इसमें ट्राइजर्मिनल नस, जैसे कि आपने नाम सुना, तो उसके तीन ब्रांचेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी ब्रांच अफेक्ट है। लोगों को फोरहेड पे, चीक बोन पे या जॉ पेन बोन पे दर्द होता है और वो दर्द इतना इंटेंस होता है, आता थोड़े सेकंड्स के लिए है लेकिन इतना इंटेंस होता है कि एकदम पेशेंट को डिसेबलिंग और यू नो लाचार सा छोड़ जाता है। और ये पेन नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे कि खाना च्यू करना, ठंडी हवा या यू नो एसी के नीचे बैठना या ब्रश करना, इतने नॉर्मल एक्टिविटीज से ये पेन कई बार रिकर होने लग जाता है जिससे कि डे टू डे एक्टिविटी में भी जीना मुश्किल हो जाता है। अब ये पेन होता क्यों है, तो मोस्ट कॉमन ये रीज़न जाना गया है कि एक ब्लड वेसल, खून की नस होती है जो इस ट्राइजर्मिनल नस के आसपास लूप बनाती है, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट दबाव रहने की वजह से ये दर्द होता है। कई बार ये दूसरी ब्रेन की बीमारियां जो होती हैं, कई बार ट्यूमर नस को दबा रहा है या कुछ और वजह से प्रेशर लग रहा है, उस वजह से ये पेन हो सकता है। लेकिन 10-20% में या फिर कई बार उससे भी ज़्यादा परसेंटेज में ये देखा गया है कि इसका कोई कारण हम जान नहीं पाते और ये स्पॉन्टेनियसली पेशेंट को पेन होता रहता है। डायग्नोसिस में हम MRI करवाते हैं जानने के लिए कि कोई ऐसी बाहर की चीज़ है जो इस नस को दबा रही है, लेकिन कई बार MRI नॉर्मली निकल के आता है। अब इतने असहनीय दर्द का ट्रीटमेंट क्या होता है, जो ट्रीटमेंट ये डिफरेंट फेजेस में किया जाता है। सबसे पहले जब पेन फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाते हैं तो इसका इलाज मेडिसिन से किया जाता है। मेडिसिन्स भी कई बार एक मेडिसिन से इलाज नहीं हो पाता, सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए हमें 2 या 3 मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। नॉर्मल पेन किलर्स जो होते हैं जैसे चोट लग जाती है उनको ठीक करने के लिए या आर्थराइटिस के दर्द के लिए जो पेन किलर्स यूज़ किए जाते हैं वो इसमें काम नहीं करते। जैसे कि मैंने बताया ये नस की बीमारी है, तो नस को जो ठीक करने वाले, नस को स्टेबलाइज करने वाली जो दवाइयां हैं वो इसमें काम आती हैं। तो जब तक सही दवाइयों पर इंसान ना हो तब तक इस दर्द में आराम नहीं आता। और जब आप 2 या 3 या 4 हफ्ते के लिए दवाइयाँ लेते हैं तो सिम्टम्स बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, तो इंसान को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दवाइयाँ आपको कंटिन्यूसली लेनी ही पड़ती हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर तभी तक कंट्रोल रहेगा जब तक आप दवाइयाँ लेंगे। ऐसे ही ट्राइजर्मिनल न्यूरालजिया में मेडिसिंस लेनी ज़रूरी है जिस भी डोज पे आपके सिम्टम्स कंट्रोल हैं। कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं हम 4 महीने के लिए हमने दवाई ली और फिर छोड़ दी, दर्द वापस आ गया, तो फिर दर्द वापस आएगा ही। तो जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारियों के लिए कंटिन्यूस आपको मेंटेनेंस दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, ऐसे ही ट्राइजर्मिनल के लिए आपको जो आपके डोज मेंटेनेंस है, सबका अलग अलग डोज होता है, तो आपके लिए जो डोज फिक्स हुआ है बहुत ज़रूरी है कि आप ये कंटिन्यूसली लेते रहें। लेकिन 15-20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों से आराम नहीं आता, या फिर पहले दवाइयों से आराम था लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स 5 या 7 साल या 15 साल के बाद दवाइयाँ लेने के बाद अब दवाइयाँ काम नहीं करती। अब अगर इन मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है या फिर इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो क्या ऑप्शंस? तो पेन फिजिशियंस 2 तरह के प्रोसीजर करते हैं। पहला है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और दूसरा है बलूनिंग। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जिनके लिए जैसे 1 या 2 नस इन्वॉल्व हैं, जैसे आपको सिर्फ चीक में या जॉ में पेन है तो RFA उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर कई बार 3 नसें इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें बलूनिंग थेरेपी हेल्प करती है। अब हम देखते हैं कि ये RFA करते कैसे हैं। ये प्रोसीजर के लिए हम पहले एरिया को मार्क करते हैं, आँखों को कवर कर देते हैं अच्छे से, सो दैट क्लीनिंग वाला सॉल्यूशन आँख में नहीं चला जाए। क्लीन करने के बाद हमने स्टराइल शीट्स लगा दी। उसी एरिया को फिर हम लोग एक्सरे के अंदर देखते हैं। ये पर्टिकुलर एक होल होता है फोरामन जो हमारा टारगेट है नीडल के जाने का। तो अब हम इसमें लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं। लोकल एनेस्थीसिया के बाद हमने एक्चुअली RFA नीडल डाला। RFA नीडल धीरे धीरे हम एक्सरे गाइडेंस के अंदर लेकर जाते हैं। फाइनल पोजीशन हम साइड वाले एक्सरे से कंफर्म करते हैं। एक बार नीडल की पोजीशन कंफर्म हो गई फिर हम लोग RFA प्रोब डालते हैं। ये RFA प्रोब है, ये भी स्टराइल तरीके से निकाला गया है, तो ये RFA प्रोब हम लोग उसमें डाल देंगे।
तो ये RFA जो प्रोब है, एक साइड ये नीडल में जाता है, दूसरा साइड ये इस तरह से दिखाई देता है जब जाता है अंदर, तो फिर दूसरी साइड ये RFA मशीन से कनेक्टेड है जिसका हम वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और एक बार RFA ने कंफर्म कर दिया कि हमारी नीडल ठीक जगह पर है तो RFA हम लोग कर देते हैं। फिर उसमें मेडिसिन डालकर फाइनली हम लोग उस नीडल को निकाल लेते हैं, तो जगह को क्लीन करके उस पर बैंडेड लगा दिया जाता है। तो ये देखा आपने कि RFA प्रोसीजर कितने आराम से बिना एनेस्थीसिया के, बिना कोई सर्जरी कट्स के हो जाता है। लेकिन कई बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर ये प्रोसीजर लास्ट कितना करेगा। तो एक RFA प्रोसीजर 2.5 से 3 साल तक कम से कम एक पेशेंट को लास्ट करता है। कभी कभी ये 5 साल 7 साल तक भी दर्द वापस नहीं आता। जो स्टडीज़ हुई हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत पुराना है, 15-20 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तो देखा गया है कि 10-15 साल तक भी कई लोगों का पेन वापस नहीं आता, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम होती है। तो जिन लोगों का पेन 2 से 2.5 साल में वापस आ सकता है, उनके पास क्या ऑप्शंस है? या तो हम RFA दोबारा कर सकते हैं, जैसे मैंने कई पेशेंट्स का RFA दोबारा किया, उनको फिर 2.5 से 3 साल तक आराम आ जाता है, तो वो हर 3 साल में ये प्रोसीजर करवाते हैं। या फिर हम बलूनिंग थेरेपी करते हैं। बलूनिंग थेरेपी का एक नुकसान होता है कि जिस एरिया में वो किया है वहाँ नमनेस, जो सुन्नपन है, वो बहुत ज़्यादा आता है, जो कई बार परेशान करता है, लेकिन कई बार पेशेंट ईजिली भी ले लेते हैं उसे। और फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सर्जरी। जैसे कि हम MRI में, मैंने आपको बताया था कि एक लूप होता है ब्लड वेसल का जो नस को दबाता है, या फिर कोई ऐसा ट्यूमर है या प्रेशर नस के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको सर्जिकली निकाला जा सकता है। लेकिन सर्जरी, ये मेजर सर्जरी होती है, दिमाग के ऊपर जो स्कल बोन जिसे बोलते हैं उसे हटाना पड़ता है और फिर ब्रेन के अंदर काम करना पड़ता है, तो उसके अपने रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं जो न्यूरोसर्जन्स के साथ बैठकर डिस्कस किए जाने चाहिए अगर सर्जरी ही ऑप्शन बचा है। तो ये सारे ऑप्शंस हमने आज बात की ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए। तो आपने देखा कि अगर किसी को ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है, जो चेहरे के दर्द से परेशान है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, तो उसको बिल्कुल भी ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेडिसिन, स्मॉल प्रोसीजर्स से सर्जरी से लेकर, जो बहुत ही सेफ़ हैं। तो पेशेंट अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट से जाकर मिलें और बात करें कि अगर उनको भी लगता है कि इस इनमें से किसी ऑप्शन से वो ठीक हो सकता है। मुझसे बात करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर इस कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।